गाइस, दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, अभी हम हैं इलाहाबाद में और मुझे पता है कि ये वीडियो मेरा ट्रिप स्टार्ट होने से पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन लेट हो गया तो कोई दिक्कत। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी तक का सबसे जो लंबा ट्रिप होने वाला है वो है झारखंड टू कन्याकुमारी। और इस ट्रिप में टोटल डिस्टेंस है 4500 किलोमीटर। और इस ट्रिप में हम ट्रेन वगैरह कुछ नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ हिचहाइकिंग करके। मुझे ट्रक, बाइक या फिर कुछ भी मिल जाए उसी से हम कवर करने वाले हैं। इस ट्रिप में हम काउच सर्फिंग यूज़ भी करने वाले हैं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोकल के साथ हम रुकेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में, क्योंकि 4500 किलोमीटर हमें कवर करना है और बाइक हिचहाइकिंग, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है मुझे कन्याकुमारी तक पहुँचने में। और इस ट्रिप में क्या करेंगे कि हम अपने साथ मैप लेते जा रहे हैं, भारत का जो मैप है। और यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है वो बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है, तो ये भी मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा हमें। मेरा ये ट्रिप स्टार्ट हुआ 14 फरवरी को और आज डेट हो रखा है 18 फरवरी, मतलब 4 दिन मेरा बीत चुके हैं। और बनारस का एक वीडियो भी हम डाल दिए हैं, तो इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये हम डालेंगे और उसके बाद मेरा जो सीरीज़ है वो चलता रहेगा। तो इस ट्रिप में हम टोटल 10 स्टेट कवर करने वाले, जिसमें से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इन सब स्टेट में हम इंटर होने वाले हैं। और मुझे नॉर्थ इंडिया में वैसा लैंग्वेज से रिलेटेड कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन जब साउथ इंडिया में जब हम एंटर करेंगे तो मुझे लैंग्वेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है और पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा। तो हम भी एक्साइटेड है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। और इस ट्रिप में हम काउच सर्फिंग यूज़ करने वाले हैं। आप लोग अगर ट्रेवल वीडियो देखते हैं तो आप लोग को काउच सर्फिंग के बारे में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज होगा। काउच सर्फिंग क्या है कि जैसे अभी हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में जहाँ अभी हम बैठे हैं ना, तो ये कोई होटल नहीं है, यहाँ पे हम मुझे कोई होस्ट किए हैं और अभी तक वो आए नहीं हैं। वो हाईकोर्ट में यूँ मानो तो समीक्षा अधिकारी है, तो उनका आने का जो टाइमिंग है वो रात को 8 बजे है। तो मुझे मैसेज वगैरह कर दिए थे भाई कि मेरा लोकेशन ये है, आप आ जाइए, तो हम उन्हीं के अभी रूम में हैं। और प्रयागराज में अभी 2 दिन और रुकने वाले हैं। अब बात करते हैं हम अपने ट्रिप के बारे में। जो जो जगह कवर करने वाले हैं वो कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि हम यहाँ जाएंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इस ट्रिप में हम सिर्फ रोडवे का यूज़ करेंगे, जैसे NH2 हो गया दिल्ली टू कोलकाता, तो उसमें हम हिचहाइकिंग करते हुए बनारस पहुँचे, बनारस से फिर प्रयागराज। अब प्रयागराज के बाद फिर झांसी जाएंगे, झांसी के बाद फिर जबलपुर, हैदराबाद, महाराष्ट्र से हुए हम गोवा जाएंगे, गोवा के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के बाद जाएंगे धनुषकोटी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी के बाद जाएंगे रामेश्वरम, धनुषकोटी, और धनुषकोटी के बाद जाएंगे चेन्नई, और चेन्नई के बाद हम बाय ट्रेन या फिर बाय फ्लाइट चल जाएंगे कोलकाता, और कोलकाता से फिर झारखंड। तो यूँ मानो कि ये जो भारत भ्रमण करने का मेरा जो प्लान है ना, ये कुछ 1.5 से 2 महीना मुझे लग जाएगा, और एग्जैक्ट अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं कि ये ट्रिप कितने दिन का है। ऐसे हम मेरा अंदाज़ा है कि ये ट्रिप मेरा 1.5 से 2 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हम यूज़ करेंगे डोमेट्रीज, सस्ते से सस्ते लॉज, और तीसरा काउच सर्फिंग। और एक खास सूचना ये है कि मेरा ये जितने दिन का जो ट्रिप है ना, तो इसमें जो मैंने पिछले ट्रिप में जितना सारे मैंने गलतियाँ की थी वो सारा इस ट्रिप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि पहले क्या था कि कहीं भी हम जाते थे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाने के चक्कर में रहते थे, वीडियो बन गया 7-8 वीडियो, उसके बाद फिर घर आके आराम से हम एडिट करते थे, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एडिट करके अपलोड करते थे। तो ऐसा नहीं होगा इस बार, वीडियो अगर लेट से भी आएगा ना तो वीडियो में कंटेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे वैसे डाल के एकदम डाल दिए, तो इस तरह का जो है वो व्यू भी कम आता है और चैनल का जो ग्रोथ है वो नीचे।
वैसे भी मेरे चैनल का जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, मुझे मालूम है, क्योंकि हम वीडियो बनाने के चक्कर में कंटेंट ध्यान में नहीं रहता है। और इस ट्रिप में आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, और इस ट्रिप में टोटल कुछ 29 से 30 वीडियो बनेंगे, और ध्यान देंगे कि कंटेंट इसमें ज़्यादा हो, ऐसे फिजूल का कुछ भी डाल नहीं दें। और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, क्योंकि आप लोग कमेंट करके जब तक हमें बताएंगे नहीं कि आप लोग देखना क्या चाहते हो, तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आप लोग देखना क्या चाहते हो। सिर्फ ऐसे ही कुछ भी डाल दे तो ये व्यर्थ हो जाएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोग देखना क्या चाहते हो, फिर उस हिसाब से फिर हम वीडियो बनाएंगे। और वीडियो रेगुलर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी डाल दिए, कल भी डाल दिए, परसों भी डाल दिए, तो ऐसे कुछ भी हम नहीं डालेंगे। वीडियो अगर एक दो दिन लेट भी हो जाएगा तो सिर्फ कंटेंट रहेगा वीडियो में और कुछ नहीं। और आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को अब शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले जितना भी सारा वीडियो था वो तो ऐसे बना के डाल देते थे, लेकिन उसमें ना कंटेंट रहता था ना ही कुछ और। तो अब हम ध्यान दे रहे हैं कि कंटेंट पे ज़्यादा हम फोकस करें, और साथ में आप लोग क्या देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग देखना क्या चाहते हो। और दूसरी बात ये कि इस ट्रिप में हम इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इस आईडी में हमें फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा जो करेंट लोकेशन हम जहाँ रहेंगे वो आप लोग को पता चलता रहेगा इंस्टाग्राम के माध्यम से। और इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में कुछ भी पूछना हो या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो उस हिसाब से, तो वहाँ पे क्या फेमस है वो भी आप हमें बता सकते हो, और वहाँ पे आप क्या देखना चाहते हो वो भी हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। जैसे कि अभी हम प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज के बाद हम झांसी जाने वाले हैं, जो झांसी की रानी थी, और उससे रिलेटेड वहाँ पर क्या क्या चीज़ है और आप लोग क्या देखना चाहते हो तो वो सब भी डालिए। गोवा जाएंगे, तो गोवा में आप लोग क्या क्या देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट कीजिए। गोवा के बाद केरल जाएंगे, तो केरल में क्या आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कीजिए। कुछ सुझाव दे सकते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि देख के सिर्फ छोड़ दिए, आप कमेंट कीजिए कि आप लोग देखना क्या चाहते हो, तो उस हिसाब से हम फिर अपना कंटेंट में सुधार करेंगे। तो ऑल अबाउट आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है, और आप सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बस इतना ही।